हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम सेकंड क्लास में लेसन 12 जो कर चुके हैं, हु इज स्ट्रॉन्गर, पूरा लेसन भी कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं यहाँ तक। बाकी ग्रामर कंसेप्ट वाला पार्ट रहता है वो हम आज आपको करवाएंगे, क्वेश्चन एफ से आई तक। मैच द नेमिंग पार्ट्स विद देयर डूइंग पार्ट्स। एक तो आपको पता होना चाहिए नेमिंग पार्ट्स होते हैं और डूइंग पार्ट्स होते हैं, दोनों को मिलाकर सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। डिनर, डिनर क्या होता है? इज द लास्ट मील ऑफ द डे। डिनर जो होता है डे का लास्ट मील होता है, अंतिम भोजन जो खाते हैं हम, डिनर। फार्मर्स, फार्मर्स क्या करते हैं? ग्रो फूड फॉर अस। फार्मर्स हमारे लिए फूड ग्रो करते हैं। शिप्स सेल ऑन द सी। शिप कहाँ चलती है? सी में। बीज, बीज लिव ऑन इन द इन अ हाइव। कहाँ रहते हैं बीज? छत्ते में, हाइव में। तो इनको हमने नेमिंग पार्ट्स को डूइंग पार्ट्स के साथ मैच करना है, तो हम यहाँ मैच भी करेंगे। डिनर इज द, और फार्मर के साथ ग्रो फूड फॉर अस, शिप सेल ऑन द सी, बीज लिव इन अ हाइव। आप अपनी नोटबुक में इस तरह से मैचिंग करेंगे। और क्वेश्चन जी, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद ही शी दे और इट। अंडरलाइन वर्ड्स की जगह पर हमें क्या यूज करना है? ही शी दे और इट। अमर एंड विनोद आर ब्रदर्स, यानी कि अमर और विनोद ब्रदर्स हैं, तो अमर एंड विनोद। अब इनके क्या लगेंगे, क्योंकि दो हो गए, प्लूरल में हो गया, दे स्टडी इन स्कूल, तो यहाँ पर इनकी जगह हमने क्या यूज किया? दे। माई ब्रदर इज 4 ईयर्स ओल्ड, तो माई ब्रदर को हमने चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ही, क्योंकि अंडरलाइन वर्ड्स को हमने चेंज करना है, माई ब्रदर, तो उसकी जगह हम लिखेंगे ही इज वेरी नॉटी। द स्टडी रूम इज ऑन द टॉप फ्लोर। अब द स्टडी रूम लिखा है यहाँ पर अंडरलाइन करके, तो इट आएगा इसके लिए। इट हैज बिग शेल्फ। आवर हाउस इज वेरी बिग, तो आवर हाउस को अंडरलाइन किया है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे इट हैज 10 रूम्स। यानी कि जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं हमने वहां पर यूज किया है, ही शी इट और दे। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। चेंज द जेंडर आपने ग्रामर वर्क में भी किए हुए हैं, तो ये भी ग्रामर का वर्क है बुक के अंदर। मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का क्या बनाते हैं? मास्टर। प्रियस्टेस प्रीस्ट, किंग क्वीन, हिंड स्टैग, मैन वूमेन। तो आपने इस तरह से लिखना है और स्पेलिंग लर्न करने हैं। यूज द गिवन ब्लेंड साउंड्स टू मेक एट लीस्ट 3 न्यू वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। जैसे यहाँ बी एल लिखा है, बी एल से आपको वर्ड्स बनाने हैं, जैसे ब्लैंकेट लिखा है तो बी एल आना चाहिए। कुछ भी वर्ड्स बनाइए, प्रॉपर वर्ड बनना चाहिए और उसका मीनिंग भी होना चाहिए। ब्लैंकेट जैसे ब्लैक, बी एल ए सी के ब्लैक। फिर ब्लू, ब्लू में भी बी एल आता है, बी एल यू ई ब्लू। 3 3 वर्ड्स बनाने हैं, जैसे सी एल दिया है यहाँ पर, सी एल ए डबल एस क्लास, सी एल ई ए एन क्लीन, सी एल ई ए आर क्लियर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो इस तरह से जी एल से बनाएंगे, जी एल ए डबल एस ग्लास, जी एल ओ डब्ल्यू ग्लो, जी एल ओ बी ई ग्लोब। अब एफ एल से बनाएंगे, एफ एल ए जी फ्लैग, एफ एल ई डब्ल्यू फ्लू, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर। तो आपने इस तरह से ये वर्ड्स बनाने हैं, बी एल से, सी एल से, जी एल से और एफ एल से। आपका थोड़ा सा ही वर्क है आज, क्वेश्चन एफ से आई तक।
अपनी नोटबुक में करेंगे सुंदर सुंदर. ठीक है बच्चों, ओके बाय.